वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। जब पार्टनर फोन ना करे तब तुरंत ये तीन काम करो, दिन रात फोन मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे वो पहले के जैसे आपको कॉल करता था या करती थी, जैसे स्टार्टिंग में रिलेशनशिप था वो आपकी केयर करता था, पूछता था क्या कर रही हो, कहाँ हो, पॉजेसिव हो रहा था, हो रही थी, वो चीज़ें अब बंद हो चुकी है। तो वापस से वो चीज़ें कैसे लेके आओगे, तो तीन पॉइंट करो। डेफिनेटली तीन पॉइंट बड़े पावरफुल है। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक पॉइंट डिफाइन करा है, सारा माइंड क्लियर हो जाएगा। आज वो आपको दिन रात कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा, समझेगी। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अब तुम्हें ज़्यादा नीड हो रही हो, सर हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, हमें ज़्यादा नीड है, तो आप पैड कॉलिंग के थ्रू, पैड कॉलिंग मीन्स पता ही आपको, आपको वहाँ कुछ पे करने होंगे चार्जर और डेफिनेटली आप मुझसे कॉल पे बात कर पाओगे, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहे होंगे, वहाँ जाओ आप व्हाट्सएप पे अपनी पैड कॉलिंग बुक कर सकते हो और आपको टाइमिंग वगैरह बता दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर पैड कॉलिंग क्यों कर रहे हो, सर पैसे लेकर ये, तो भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तुम अपने पैसे बर्बाद मत करो, वीडियो के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ज़्यादा तड़प आ रही है तब तुम जाके मुझसे पैड कॉलिंग कर सकते हो, और फोर्स थोड़ी है कि आप पैड कॉलिंग ही करो ये करो। अब अगर मैं सबसे ऐसे ही बात करने लग गया तो हजारों लाखों कॉल आने लग जाएंगे, किस किस को हैंडल करूंगा, है ना। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी एनर्जी है, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ जो सबकी हेल्प कर सकता हूँ। अब आप स्कूल कॉलेज में जाओगे वहाँ भी सर वगैरह आपको पढ़ाएंगे तो चार्ज तो लेंगे ना, डॉक्टर के पास जाओगे वो भी फीस लेगा ना, तो डेफिनेटली एक फ़ीस है, छोटी सी अमाउंट है बस, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मैंने सबसे कम अमाउंट रखा है, तो डेफिनेटली आप पे कर पाओगे और आपकी डेफिनेटली मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये मत कहो ये क्या है क्या है, भाई एनर्जी हमारी भी वेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं, अगर इतनी हम किसी को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो कोऑपरेट किया करो, अपना ही अपना मत सोचा करो, सामने वाले का भी सोच लिया करो, ठीक है। चलो पॉइंट पे आएंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट सबसे प्यारा है सस्पेंस। आप अपने रिलेशनशिप में सस्पेंस नाम की चीज़ तो रखते ही नहीं हो, पता नहीं आपको भी कौन सी बीमारी लगी हुई है, पिछवाड़े पे इंजेक्शन ठुका के सब चीज़ें बताने लग जाओगे, लाइफ को हाइड ही नहीं रखोगे, सब चीज़ें शो कर दोगे, फिर तुम्हें पिछवाड़े पे पड़ जाती है लात, फिर तुम होते हो इग्नोर, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तुम्हें कॉल करती है ना करता है, रोते रहते हो तड़पते रहते हो। तो सस्पेंस बनाओ, कैसे बनाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ को तुम शो कर देते हो, ठीक है, फीलिंग बता देते हो कि मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं आपके लिए सबको छोड़ दूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही। अरे भाई अगर सस्पेंस नहीं होगा तो दुनिया लात नहीं मारेगी, ठीक है ना, नहीं मारेगी, गर्दन मरोड़ के तोड़ू। अब तुम पता है सामने की यार कुआ है, वहाँ जाओगे तो मरोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर तुम सस्पेंस नहीं रखोगे, सब चीज़ें बता दोगे तो तुम्हारे अंदर कोई चीज़ ही नहीं रहेगी इंटरेस्टिंग वाली, है ना, उस पर भी आएंगे, इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट पे भी आएंगे। तो सस्पेंस रखो, अपनी लाइफ को हाइड रखो, ये मत बताया करो आज मैंने ये करा है, वो करूँगी, आपके लिए मर जाऊँगा, घर वालों को मना लूँगी, सबको मना लूँगा, आप ही मेरे प्यार हो, आप क्यों नहीं समझते मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, ये चीज़ें, ये चूतियापा, ये नौटंकी बंद करो, तब जाके तुम हीरो हीरोइन बनोगे। ट्रेन के आगे जाओगे, चलती ट्रेन के आगे मरोगे ना, चोर को अगर बता दोगे चाबी यहाँ है तो घर में चोरी करवा लोगे अपने, है ना, रियलिटी यही है। बॉयफ्रेंड को अपनी फीलिंग बता दोगे, गर्लफ्रेंड को बता दोगे तो डेफिनेटली वो आपकी कदर नहीं करेगा, है ना। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को बता दोगे तो आपके पास बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, कोई चीज़ है आपके पास नहीं है क्योंकि आपने सब चीज़ें शो कर दी। अरे हाइड रखो, वो पूछे तब भी मत बताओ, ठीक है, अपनी फीलिंग तो बताओ मत कि मैं आपके लिए मर रही हूँ, यूँ कह देना चाहिए कि हाँ प्यार है, ठीक है, और क्या है यार, ज़्यादा भी नहीं है, इतना भी पॉजिटिव नहीं हो रही, नहीं हो रहा मैं आपके लिए, अरे ये चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। अब तुम ऑफिस जा रहे हो और तुम्हें बिना काम के पैसे मिल जाए तो तुम वैल्यू करोगे काम की, नहीं करोगे ना, तो बिना मतलब के तुम अपनी फीलिंग क्यों बता रहे हो, क्यों गधे बन रहे हो, क्यों गधिया बन रही हो, नहीं बताओगे ना, वेरी गुड, सस्पेंस रखो तब तुम्हें प्यार ही प्यार मिलेगा, ठीक है। फीलिंग कंट्रोल करना सीखो, रोना गिड़गिड़ाना ये चीज़ें नहीं करनी, ये चूतियापा नहीं करना, अकेले में रोलो, उसके सामने नहीं बोलना तूने उससे बात क्यों करी, तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तू ऐसे क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, समझ क्यों नहीं रही, समझ क्यों नहीं रहा, अरे यार समझ जाओ कुत्ते हो क्या, धोखा मिलेगा, ये चूतिया पकड़ना बंद करो। अनिल कपूर मत बनो, अनिल कपूर बनोगे नहीं, सुनील शेट्टी मत बनो, तुम दिल की धड़कन वाले पूरी फीलिंग बता दी, लल्ले बन गए, कुछ करा ही नहीं तुमने, फिर बाद में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ जाती है, फिर वो किसी और की हो जाती है, वो किसी और का हो जाएगा, क्या करोगे, तो सस्पेंस रखो। चलो मेरे सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्टिंग बनो, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करो, करोगे या नहीं करोगे,
अब तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे। तुम भी गंगू तेली बन गए, कुछ है ही नहीं लाइफ में। बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया, गर्लफ्रेंड को कॉल कर दिया, फिर एक घंटे बाद कर दे तो, फिर तीन घंटे बाद कर दे तो, ऑनलाइन है रिप्लाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, ये चीज़ें ले भाई, तू मुझे टाइम नहीं देते, लो इंटरेस्ट की माँ बहन एक कर दी तुमने भी, हैं टुकड़ी टुकड़ी भाग रहे हो बिना चड्डी के। रुक जाओ, पहन लो चड्डी नीचे, फिर पजामा पहन लो, ऊपर कुर्ता पहन लो। अब भाई कार और ट्रेन के ज़माने में तुम कहोगे नहीं मैं तो दिल्ली से जयपुर जाऊंगी पैदल जाऊंगा, घोड़े के साथ जाऊंगा, टुकड़ी टुकड़ी गाय के साथ जाऊंगी, है ना, भैंस के साथ जाऊंगा, कौवे के साथ जाऊंगा, ये चूतियापा करोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख ही समझेंगे। हैं यार, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बाइक है, कार है, तुम्हें पैदल की दुन है। 1920 की मूवी के तुम तो बन गए जेठालाल नहीं बन गई हैं। अब तुम चड्डी पहन के कह रहे हो हम गधे के साथ भागेंगे, कहाँ भागोगे यार, 2021 चल रहा है, स्कूल में तुम धोती पजामा पहन के जाओगे अच्छे लगोगे क्या? अच्छी लगोगी? सर पे चड्डी पहन ली, नीचे धोती पहन ली, कट्टा ले लिया, कॉलेज ऑफिस में जा रहे हो तुम, क्लब में जा रहे हो धोती पहन के, है सर पे वो पहन ली तुमने, लंगोट लगा ली, अच्छे लगोगे भाई? 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 1920 के तुम हीरो हीरोइन मत बनो, ठीक है, गधे ही कहलाओगे फिर तुम धोती पहन के क्लब में जाओगे तो। किसी डिस्को में आए हम धोती पहन के आए, इस जमाने में फिर तुम गधे लाल बन गए, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यार ट्रेंड के साथ चलो यार एकदम। अब तुमने सुबह कॉल कर लिया, फिर तुम उसे कॉल करो 5-6 घंटे बाद, कॉल कर लो अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ईगो मत रखो, वो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, तुम कर लो एक कॉल यार, क्या जा रहा है 24 घंटे में, उसने नहीं करा तो गुड मॉर्निंग वगैरह जरूरी थोड़ी है, गुड मॉर्निंग से क्या रानी बन जाओगे, राजा बन जाओगे गुड नाइट से, नहीं ना, एक कॉल तुम कर लो सुबह, फिर वो कर लेगा, नहीं तो तुम कर लो दोबारा, बस एक दो कॉल तुम्हें करने, ज़्यादा नहीं करने, कहीं तुम 3-4 कॉल करने लग जाओ कि सर ने कहा, ईगो में मत रहो, एक दो कॉल करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है, गैप रखो 4-5 घंटे का, ताकि इंटरेस्ट रहे उस बीच में, तुमने क्या करी, कहाँ गए, कौन से मुर्गे बने, कौन सी मुर्गी बनी तुम, है ना, तुमने क्या किया, किससे बात करी, क्या तुमने क्रिएटिविटी करी 4-5 घंटों में, तो इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है, ऐसे प्यार बढ़ता है, चेंज करो खुद को। जेठालाल नहीं बन के रहोगी गंदी लगोगी, जेठालाल बन के रहोगे गंदे लगोगे, हीरो बनो, अपने लुक्स चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज करो, ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, पिक वगैरह डालो, वीडियो शीडियो डालो, यूनिक बनो, डिफरेंट बनो, क्रिएटिविटी अलग अलग करो, तब लड़की तुम्हारे पीछे बावड़ी होगी, तब लड़का तुम्हारे पीछे बावड़ा होगा, समझे मेरे बरखुदार। चलो मेरे थर्ड पॉइंट पे आएंगे, सबसे प्यारा पॉइंट है दुनिया का, इमोशनली नहीं होना तुम्हें, ठीक है, इमोशनल फीलिंग को दबा लिया करो, रोना धोना नहीं है किसी के सामने, तुम जितना रोओगे तुम्हें एक ही धब्बा मिलेगा, रोंदू लड़की है ये, तो रोंदार लड़का है ये, तो रोती रहती है, रोने का यही काम है, तुम्हारी फीलिंग की बिल्कुल कदर नहीं होगी, तुम रो लेना, तड़प लेना, गिड़गिड़ा लेना, कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब कोई तुम्हारे गेट पे आके चिल्ला रहा है रोज़ रोज़, तुम भी कहोगे गधा है, गधी है, बावड़ा है, पागल है, चिल्लाने दो, ना तुम ये सोचोगे तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नज़रों में ये होगी, रोने वाली है, रोने वाला है, तो रोना नहीं है, अपनी फीलिंग को मत बताया करो, दबा लिया करो, अकेले में रो लिया करो, बड़ा सुकून मिलेगा उसके सामने, रोने गिड़गिड़ाने से कुछ मिला नहीं मिला, ना लात ही पड़ी ना, तो कंट्रोल करो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अरे उन कुत्ती महफिलों के जाम पीकर तुम्हें रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, जाम पीकर गम को अंदर ही अंदर रुलाना है, ताकि वो घाव एक मरहम का रूप ले ले और तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि किसी का बाप तुम्हें इग्नोर ना कर सके। समझ गए मेरी YouTube फैमिली? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, बहुत लोगों की हेल्प होगी। जय हिंद, जय भारत।